जी आज का जो हमारा बेटा टॉपिक है ये है जी रेडिएशन एक्सपोजर। हम लोग मुसलसल रेडिएशंस के बीच में रहते हैं, वो इस तरह से कि अगर हम कभी किसी गाइगर मोलर काउंटर या जीएम ट्यूब को ऑन करते हैं जबकि उसके आसपास कोई भी रेडिएशन का सोर्स नहीं है, फिर भी ये बात ऑब्जर्व की गई है कि आपका जो जीएम ट्यूब है ये आपको रेडिएशन शो कर रहा होता है। तो इससे पता लगता है कि जब हमारे इर्द गिर्द रेडिएशन बाज़ाहिर कोई रेडिएशन का सोर्स ना हो, फिर भी कोई ना कोई रेडिएशन सोर्स मौजूद होता है, यानी हर वक्त हम रेडिएशंस के बीच में होते हैं। ये जो हमारी रेडिएशन है क्योंकि हमारे ऊपर पड़ रही है, हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब भी कर रही है, इसको कहा जाता है रेडिएशन एक्सपोजर। और अगर मुसलसल ये रेडिएशन हमारे ऊपर पड़ती रहती है तो हमारा जो लाइफ स्पैन है या लाइफ टाइम है अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट 40 दिन कम हो सकता है। रेडिएशन को मेजर करने के लिए हम आमतौर पर जो डोज एब्जॉर्ब करते हैं उसके लिए रैम या सेवर्ड का यूनिट यूज़ किया जाता है। और इस रेडिएशन के सोर्सेज मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है जनाब बैकग्राउंड रेडिएशन। ये बैकग्राउंड रेडिएशन आ गई, इसके मुताबिक कहा जाता है ये वो रेडिएशन है जो हर वक्त एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। इसी की वजह से जीएम ट्यूब या गाइगर मुलर काउंटर या गाइगर ट्यूब आपको काउंट रेट देती है जबकि इसके नज़दीक कोई बाकायदा रेडिएशन सोर्स मौजूद ना भी हो। अब सवाल उठता है ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन है इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स बहुत सिंपल लेकिन बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं इसके सोर्स की। इसमें एक सबसे बड़ा इसका सोर्स है कॉस्मिक रेडिएशन, जिन्हें कॉस्मिक रेज भी कहते हैं, और ज़मीन के अंदर मौजूद जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी बेतहाशा वजूहात हैं जिन्हें हम यहाँ वन बाय वन अब देखते जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें कॉस्मिक रेडिएशन को देख लेते हैं। कॉस्मिक रेडिएशन वैसे हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये आउटर स्पेस से आपके एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी मौजूद होती हैं। अब ये जो हाईली चार्ज पार्टिकल हैं और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन या आउटर स्पेस से हमारी ज़मीन में एंटर हो रही है, इससे हमारी ज़मीन को बचाने के दो सोर्सेज हैं। एक इनमें से ओजोन लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। हमारी पूरी ज़मीन के गिर्द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मौजूद है और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम लोग बचते हैं ओजोन के ज़रिए। ओजोन हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में अपर जो है सफियर है उसके ऊपर मौजूद होती है। ये ऑक्सीजन की थर्ड फॉर्म है, थर्ड एटॉमिक फॉर्म, यानी कि O3 कहते हैं इसको। और ये ओजोन लेयर जो है ये हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बचाती है क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके तबाह होने की वजह आपके पास है CFC गैस जो कि इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन को तबाह करती है और उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट एंटर हो रही हैं और पैदा कर रही हैं स्किन एंड आइस की बीमारियां जिनमें स्किन बर्न या जिससे टैनिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा मशहूर है। उसके अलावा स्किन कैंसर भी इससे हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि जो आपके पास कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से जो रेडिएशन आती है ना, इसका जो हमारे ऊपर एक्सपोजर होता है ये लगभग 10% तक होता है। इससे 10 से 13% तक हम बोलते हैं 10% to 13% तक ये रेडिएशन एक्सपोजर है ड्यू टू कॉस्मिक रेडिएशन। फिर बिल्डिंग मटेरियल जो हम इमारतें बनाते हैं इसके अंदर भी बहुत सारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, ट्रैप होते हैं। रेडॉन गैस भी यहीं से निकलती है और रेडॉन गैस अच्छी खासी रेडियो एक्टिव होती है। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि आप किसी इमारत को अगर आप बंद कर देते हैं और जब कुछ अरसे बाद से आप खोलेंगे आपको अजीब सी स्मेल महसूस होती है, वह समय रेडॉन गैस होती है जो ट्रैप हो जाती है। ये रेडॉन गैस जमीन से भी एंटर हो सकती है और हमारे बिल्डिंग मटीरियल में भी मौजूद होती है। और इस रेडॉन गैस के लेवल को हम कम कर सकते हैं गुड वेंटिलेशन के ज़रिए।
और ये वेंटिलेशन होती है, हवा का आना जाना, खिड़कियाँ, रोशनदान, कमरों का ओपन होना, इस तरह कि उनमें से हवा आ जा सके। अब जहाँ तक ताल्लुक है मेडिकल में, आपको पता है बहुत ज़्यादा एक्सरेज का इस्तेमाल होता है, तो एक्सरेज की वजह से जो रेडिएशन एक्सपोजर हमारे एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहा है वो 12% है, 12% तक है, ठीक है। और अच्छा खासा ये बड़ा इसका हिस्सा है इसका हमारे रेडिएशन एक्सपोजर में। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट या लीकेज या फॉल आउट जो होते हैं, अगरचे इनको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी इनकी वजह से भी हमारे एटमॉस्फेयर में तकरीबन 1% रेडिएशन ऐड हो रही है। फिर आपके पास आ जाता है रेडियो आइसोटोप्स का, जो खाने पीने में हमारे जाते हैं, जिस तरह पोटेशियम 40 है, कार्बन 14 है, ये हमारे खुराक में शामिल होते हैं और हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। हम सांस लेते हैं तो लंग्स में डायरेक्ट रेडिएशंस एंटर होती हैं, यही वजह है कि हमारे लंग्स सबसे ज़्यादा रेडिएशन को रिसीव करते हैं देन आवर रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो रेडिएशन एक्सपोजर खुराक के ज़रिए होता है, जो हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, हवा जिसमें सांस लेते हैं, ये सारा मिला के तकरीबन 1% रेडिएशन एक्सपोजर है। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोवेव ओवन यूज़ हो रहे हैं, टेलीविज़न यूज़ हो रहे हैं, एक्सरेज यूज़ हो रही हैं, हमारी इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही हैं और हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में भी यूज़ होती हैं। फिर ल्यूमिनस जो वॉचेज़ हम पहनते हैं, पहले पहनते थे, अब नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास हैं, उनके डाल जिनके चमकते हैं अंधेरे में, ठीक है। फिर टोबैको के लीव्स, ये तंबाकू जो सिगरेट में जो इस्तेमाल होता है, इनको जब खुश किया जाता है तो ये हवा में मौजूद रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरह से जो स्मोकर्स होते हैं वो डायरेक्ट इस स्मोक के ज़रिए रेडिएशन को इनहेल करते हैं, और ना सिर्फ खुद इनहेल करते हैं बल्कि अपने साथ वालों को ज़्यादा नुकसान देते हैं। तो ये भी कुछ वजूहत हैं रेडिएशन ऐड होने की। अब इन रेडिएशन की वजह से दो तरह की रेडिएशन पैदा होती हैं, एक लो लेवल रेडिएशन होती है और एक आपकी इंटरमीडिएट, एक हाई लेवल, बस ज़्यादातर एक लो लेवल एक हाई लेवल ही है। ये आपकी बुक के कुछ चार्ट्स हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के, इसमें नज़र आ रहा है कि गामा रेज़ का जो सिलसिला है हमारी रेडिएशन एडिशन में या रेडिएशन एक्सपोजर में, वो 16% है, यहाँ लिखा हुआ है। और इस तरह इंटरनल जो सोर्सेज हैं वो 16% तक हैं, रेडॉन गैस की 33% तक है, मेडिकल का टोटल जो इस्तेमाल होता है उसमें एक्सरे और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं, वो 20.7% है मेडिकल में। कॉस्मिक रेडिएशन 13 तक आ रहा है, 10 to 13 में बात कर चुका हूँ। अब ये फॉल आउट हो गया, मिसलेनियस हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गए, ये सारे 0.4% हैं। अब इस फॉल आउट के अंदर आप अदर सोर्सेज और ये जो आपके मिसलेनियस को अगर आप शामिल कर देते हैं मिलाकर, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1% हो जाता है, जो पीछे बताया आपको। फिर आपके पास जो पोलोनियम है रेडियो एक्टिव सोर्स, बहुत लंबी इसकी हाफ लाइफ होती है, 24,000 ईयर्स, ये लिखा हुआ है फॉर योर इंफॉर्मेशन में। और इसको तकरीबन 1,92,000 साल लगते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई में जाने के लिए। अब रेडिएशन जो वेस्ट होते हैं, जिनको डंप करना सबसे मुश्किल काम है, इनको डंप करने के लिए हम सॉल्ट माइंस को यूज़ करते हैं, ओल्ड सॉल्ट माइंस को, तो इनकी भी तीन अकसाम होती हैं, हाई लेवल, मीडियम एंड लो लेवल, ये बातें यहाँ लिखी हुई हैं। ये नोट्स आपको मैंने शेयर किए हुए हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ मैंशनड हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये पाई चार्ट की तमाम रीडिंग्स यहाँ लिखी हुई हैं, मतलब जो आपने ऊपर चीज़ें पढ़ी हैं वो यहाँ लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज़ नोट कर लें, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है डोजीमीटर, इसे फिल्म बैच डोजीमीटर कहते हैं, और ये जो डायग्राम में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फिल्म बैच डोजीमीटर, ये यूज़ होता है टू मॉनिटर द रेडिएशन रिसीव्ड बाय द वर्कर्स इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। ये नीचे नोट्स में मैंने ये लाइन शामिल की हुई है, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें नोट्स में नीचे मिल जाएंगी। कोशिश की गई है कि हर चीज़ आपकी अवेलेबल हो नोट्स के अंदर, और ये सारे आपके एमसीक्यू हैं असल में, और ये वो वाहिद हिस्सा है इस पूरे सीरीज़ में लेक्चर्स की जिसके तमाम एमसीक्यू बुक लेवल के होते हैं। अलबत्ता कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो बुक में नहीं है, लेकिन वो जनरल इन्फॉर्मेशन है, और कोशिश की गई है कि आपको वो भी याद करा दी जाए, ये सिर्फ याद करने वाली बातें हैं, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनमें चेंज कहाँ आएगा वो आगे जाके हम देखेंगे। अब आगे आ जाता है बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। ऐसे नहीं है कि ये रेडिएशन ख़तरनाक नहीं होती, रेडिएशन अपना असर रखती है हमारी बॉडी के ऊपर,
बाज़ लेवल हैं रेडिएशन के जो ज़्यादा असर नहीं रखते, वो लो लेवल रेडिएशन होती हैं, उन्हें हार्मफुल नहीं कंसिडर किया जाता। लेकिन जब भी हमारी बॉडी पर रेडिएशन पड़ती है तो एक ख़ास लेवल तक तो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, उसके बाद मसले मसाइल शुरू होते हैं। मिसाल के तौर पर 1 सेवर से नीचे नीचे अगर डोज रहती है, इतना ख़तरनाक मसला नहीं है, लेकिन इसे ऊपर बढ़ती है ना, फिर मसले मसाइल आएंगे, तो वो अब हम यहाँ देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसमें आप देखें, सबसे पहला जो बायोलॉजिकल इफेक्ट में पॉइंट लिखा हुआ है कि आपका जो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ रेडिएशन पे, नंबर वन। नंबर टू, वो डिपेंड करते हैं आपके कौन सा बॉडी पार्ट है जिस पे ये असरात पड़े जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अल्फ़ा रेज यूज़ कर लेते हैं एक्स रेज के मुकाबले में, तो अल्फ़ा रेज मोर डैमेजिंग है देन एक्स रेज, बल्कि इनकी डैमेजिंग की जो टाइम्स है वो 20 times से ज़्यादा डैमेजिंग है देन एक्स रेज। अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा रेज की बात हो रही है। इसी तरह जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये हमारी आइज़ के लिए ज़्यादा डैमेजिंग है देन अदर पार्ट ऑफ द आइज, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी के मुकाबले में आइज़ के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसी तरह अगर आप, इसका मतलब है हमारा जो रेडिएशन है, हमारी जो रेडिएशन हम पे फॉल करती है, उसको ये भी हम देखते हैं कि किस पार्ट पे फॉल कर रही है और किस टाइप की रेडिएशन फॉल कर रही है। तो डैमेजिंग जो है ना, या इफ़ेक्ट जो है रेडिएशन का, वो उसकी टाइप और टाइप ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करती है। अब अल्फ़ा और बीटा रेडिएशन गामा के मुकाबले में रेडनेस पैदा कर देती है बड़ी तेज़ी से, यानी कि आपकी रेड हो जाती है स्किन, स्किन पे ज़ख्म हो सकते हैं अल्फ़ा और बीटा से। इसी तरह जो लो लेवल रेडिएशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं जी स्किन बर्न, लॉस ऑफ हेयर, उसके अलावा अल्सरेशन, ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। स्टिफनिंग ऑफ द लंग्स, ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मर्ज़ है और ये आम लोगों को हो जाता है जब वो शहरों में रहते हैं और मुसलसल रेडिएशन के बीच में रहते हैं। इसके बाद आ जाता है इंडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन आईज, मोतिया का आ जाना आँखों में। अब ये मोतियों का आ जाना लो लेवल में भी शामिल है और हाई लेवल में भी शामिल है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट्स है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाता है, ये आपको बैलजी वालों का शायद ज़्यादा पता है इसका। फिर ड्रॉप इन वाइट ब्लड सेल, जिसके नतीजे में रेडिएशन सिकनेस होती है, इसमें डायरिया हो जाता है, वोमिटिंग होती है, फीवर होता है। फिर आप जब आ जाते हैं हाई लेवल में, हाई लेवल में सबसे पहली बात है एनीमिया और ल्यूकीमिया, ये आपको पता है कि ब्लड कैंसर की अकसाम है। फिर क्रोमोसोम एबनॉर्मैलिटीज़ की वजह से जेनेटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं, कैंसर आ गया, आई कैटारेट्स आ गए, एबनॉर्मैलिटीज़ आ गई। फिर उसके अलावा रेडिएशन मुसलसल पड़े तो फ्यूचर जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये सारे इफ़ेक्ट्स हमने यहाँ पे समराइज किए हुए हैं, आप इनको याद कीजिएगा, हाई लेवल लो लेवल अलग अलग कैटेगरी में। सेफ लिमिट एब्जॉर्ब डोज की कितनी होती है, बहुत सेफ लिमिट ऑन एन एवरेज, तो सेफ लिमिट है जी 2 mSv पर ईयर। ये वो है रेडिएशन जो हमारे ऊपर सारा साल पड़ती है, बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन हमारी बात हो रही है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम पे सारा साल पड़ती है, वो 2 mSv होती है पर ईयर, और ये इतनी ख़तरनाक नहीं होती, ये तो आपको पता है हम लोग इसमें बड़े आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। फिर डोज ऑफ 3 sv विल कॉज रेडिएशन बर्न, 3 sv ख़तरनाक है, इससे ऊपर तो और ख़तरनाक हो जाती है, वो अभी आगे आगे टेबल्स में वैल्यूज आ रही हैं। वर्कर जो न्यूक्लियर माइंस या फैसिलिटीज़ में काम करते हैं, उनके लिए वीकली डोज 1 mSv नॉर्मल होती है। उसके बाद बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है, ये एक क्वालिटी फैक्टर है, RBE फैक्टर एक क्वालिटी फैक्टर है, इसके ज़रिए ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी रेडिएशन कितनी ख़तरनाक है। लिख दिया मैंने क्वालिटी फैक्टर का, एक्स रे हैं, अल्फा हैं, गामा रेडिएशन है, जिनकी एनर्जी 30 kilo electron volt या ज़्यादा होती है, उनका RBE1 होता है, और अल्फा जिनकी एनर्जी 30 kilo electron volt से कम होती है, उनका RBE1.7 है। इसका मतलब लो एनर्जी पार्टिकल ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि इनकी भी पेनिट्रेशन की पावर बढ़ जाती है। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन न्यूक्लियर फिशन इंड्यूस कर देता है, फास्ट मूविंग नहीं कर पाता है यूरेनियम 235 में। इसी तरह न्यूट्रॉन जिनकी एनर्जी 10 million electron volt से बिलो होती है,
ये बॉडी के लिए तो इनका आरबी फैक्टर या डैमेजिंग फैक्टर या रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस 10 है, आइस के लिए 30 है, और अल्फा पार्टिकल जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से आते हैं इनका 10 है, बहुत ख़तरनाक पार्टिकल। जब ये डायरेक्ट रेडिएशन से आते हैं ये कैंसर पैदा कर देते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस से जब ये मीट होते हैं, और हैवी रिकॉयल न्यूक्लियाई जो इसी रेडिएशन के नतीजे में आता है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक 20 उसका आरबी फैक्टर होता है। उसके बाद यूनिट्स हैं रेडिएशन डोज के, जो रेडिएशन हमें मिलती है एनर्जी पर यूनिट मास उससे रेडिएशन डोज कहते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1 जाउल एब्जॉर्ब एनर्जी है बाय अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम मास, ये 1 ग्रे कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक होती है डोज, डोज होती है एनर्जी पर यूनिट मास, और इस डोज का यूनिट ग्रे होता है, इसका यूनिट ग्रे होगा जी वाई, और ये इक्वल टू होता है जाउल पर किलोग्राम। ग्रे एक बड़ा यूनिट है, इसका जो पुराना एसआई यूनिट है, बल्कि ग्रे एसआई यूनिट है लेकिन बड़ा यूनिट है, इसका जो पुराना यूनिट है जो इससे छोटा होता है वो होता है रेड, RAD, इसे कहते हैं रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज। ये नोट्स में यहाँ ये बातें लिखी हुई हैं, ये एक्रोनियम होता है फॉर रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, और ये आप यूं इसको याद करेंगे 2-3 हवालों से कि 1 ग्रे 100 रेड के बराबर होता है, और जो 1 रेड है वो 1/100 ग्रे हो सकता है, 10^-2 ग्रे हो सकता है, 0.01 ग्रे हो सकता है, ऐसा ये डिफरेंट स्टाइल में आपको याद करना होगा। पेपर में ये किसी तरह भी आ सकता है। उसके बाद इक्वल डोजेस ऑफ डिफरेंट रेडिएशन डू नॉट प्रोड्यूस सेम बायोलॉजिकल इफेक्ट, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं लेकिन ये लाइन यहाँ से शामिल की गई कि ये MCQ की भी लाइन है। फिर इफेक्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ द बॉडी एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, ठीक है, ये भी आपकी लाइन दोबारा ऐड की गई है इसके अंदर ये समझाने के लिए कि भाई MCQ है। फिर अगर आप सारा टेलीविजन देखें, आप जो डोज आप एब्जॉर्ब करेंगे टेलीविजन देखने से, इसमें आपका मोबाइल आपका लैपटॉप ये सब चीज़ें शामिल हो जाएंगी, तो आपके पास जो रेडिएशन आती है आपके पास वो 10 mSv होती है। पावर स्टेशन में जो लोग होता है रेडिएशन फ्रॉम पावर स्टेशन जो वहाँ से बाहर निकलती हैं, अगरचे बड़ी एहतियात की जाती है फिर भी उस इलाके में 10 mSv तक लोग रेडिएशन एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अगर आप रेडियो एक्टिव ल्यूमिनस वॉच जो आजकल बहुत कॉमन नहीं है वो पहनेंगे तो 30 mSv तक रेडिएशन अब्जॉर्ब करेंगे। चेस्ट एक्सरे से ये आ जाएगी 200 mSv, इसको 1000 पे डिवाइड करें तो ये 0.27 बनेगी। अब यहाँ से ये चीज़ सीखो, इसको सेवर्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनता है 0.27। अगर मैं इसको ले जाता हूँ मिली के बजाय माइक्रो में इसी यूनिट को चेस्ट एक्सरे को, तो नया MCQ बनाता है। नया MCQ बनाने के लिए आपने इसको माइक्रो में अगर कन्वर्ट करना है तो ये आ गया जी माइक्रो सेवर्ट इधर, और 200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10^+6 से, तो वो आ जाएगा आपके पास तकरीबन साथ में, चूंकि मिली का 10^-3 उससे कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाता है 2 लाख तकरीबन 2 लाख माइक्रोसेवर्ट। एक ही वैल्यू है, सिर्फ प्रीफिक्स चेंज करोगे MCQ चेंज हो जाएगा। नीचे अगर आप ईंटों वाले घर में रहें तो आपका जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है 750 mSv, और बाकी आप इनको यूनिट में बड़े आराम से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैक्सिमम डोज अलाउ टू जनरल पब्लिक फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्सेज 1000 mSv, इसको 1 सेवर्ड भी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग फॉर अ मंथ इन यूरेनियम माइन, ये भी 1000 mSv या 1 सेवर्ड। और अगर आप टिपिकल डोज रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ अ जनरल पब्लिक इन अ ईयर फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी तमाम सोर्सेज को जमा कर दिया जाए, तो ऑन एन एवरेज 2500 mSv या जिसको 2.5 सेवर्ड कहते हैं, ये रेडिएशन एक बंदा एब्जॉर्ब कर सकता है। और जो बंदा ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर जाए इसका मतलब है ये बंदा यूरेनियम माइन में भी गया है, यूरेनियम की माइन में भी गया है, ये बंदा टीवी भी देखता रहा है, इसने एक्सरे भी कराया है, और जनरल जो आपके पास ये ईंटों के मकान में भी रह रहा है, इस तमाम सोर्सेज की जो रेडिएशन है ना वो इसने अब्जॉर्ब किया है, तो ये 2.5, और 2.5 की वजह से जो नुकसान होते हैं स्टरिलिटी आपकी मुतासर हो जाती है 2 साल के लिए, वो आगे जाके अभी जिक्र आ जाएगा।
लेकिन जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, जिससे जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं होता, पर ईयर के हवाले से देखा जाए, यानी पूरे साल की डोज को जमा कर दिया जाए, तो वो बन जाती है 50,000 मिली सेवर्ड, 50 सेवर्ड बन जाती है। लेकिन वैसे ये डोज एकदम मिल जाए तो बंदा पिंगल जाए क्या, राख बन जाए, उसके कुछ भी ना मिले उसका। इक्विलेंट डोज प्रोडक्ट है डोज और आरबीई फैक्टर का, ठीक है। और इसके ज़रिए हम निकाल लेते हैं कि एक बॉडी के अंदर कितनी डोज जानी चाहिए। और ये इक्विलेंट डोज है, इसका यूनिट सेवर्ड होता है। ये जो हम ऊपर देख रहे थे सारा पढ़ के आए हैं, वो सब इक्विलेंट डोजेस थी जो मिली सेवर्ड में हम पढ़ रहे थे। सेवर्ड इसका ऐसा यूनिट है, और 1 सेवर्ड होता है ग्रे इंटू आर बी ई फैक्टर के बराबर। सेवर्ड से छोटा यूनिट होता है रोंजन इक्विलेंट इन मैन, रैम कहते हैं, रैम इसको। 1 सेवर्ड में 100 रैम होते हैं, और इसको आप यूं भी लिख सकते हो, 1 सेवर्ड 100 रैम, और 1 रैम इक्वल टू 1/100 सेवर्ड, 10^-2 सेवर्ड, 0.01 सेवर्ड। अब यहाँ लव इस्तेमाल हुआ है रोंजन, इसकी डेफिनेशन ये लिखी है इधर, ये वो क्वांटिटी है रेडिएशन की जो 1 क्यूबिक मीटर ड्राई एयर में 2.08×10^9 आयन पेयर प्रोड्यूस कर देगी। डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल इफेक्ट्स आ गए ऑफ रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल लेस डैमेजिंग है जब तक जमीन बॉडी के बाहर हैं, जैसे ही अंदर जाएंगे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अल्फा और बीटा पार्टिकल ये रेडनेस पैदा करते हैं, अभी देखा था। फिर आगे लो लेवल हाई लेवल रेडिएशन सोर्स, वो रेडिएशन के इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमने पढ़े हुए हैं। अब इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन के नतायज क्या क्या हो सकते हैं, ये नीचे देखें। 4000 मिली सेवर्ड, इसको माइक्रो में करेंगे तो ये 40 लाख माइक्रो सेवर्ड बनता है। इसको 4 सेवर्ड भी कहते हैं, इसको हम सेंटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डेसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अब देखो ना, अब आपके पास एमसीक्यू किस्सा बनाए जाएंगे, आपके पास टेबल में एक वैल्यू गिवन है, उसके यूनिट चेंज किए जा सकते हैं, और यूनिट चेंज करके उसकी नई वैल्यूज बनाई जा सकती हैं। वैल्यू वही है, सिर्फ प्रीफिक्स की वजह से कहीं 40 लाख की जगह 4000 हो जाएगा, कहीं फुल यूनिट में वो 4 रह जाएगा, कहीं 400 हो जाएगा सेंटी में, 40 हो जाएगा डेसी में। तो 4 सेवर्ड अगर डोज मिलती है तो 60% लोग मर जाएंगे एकदम से, इतनी डोज मिल जाए। एक तो होता ना राम राम से आए, नहीं ये एकदम से आ जाएगी। इसी तरह 2.5 अगर वैल्यू हो तो स्टरिलिटी आपकी 2 ईयर्स के लिए बंद हो जाती, ख़त्म हो जाती है, पैदा हो जाता है ये मसला। 1.5 अगर हो तो टेम्पोरेरी फर्टिलिटी पैदा हो जाती है, और 1 सेवर्ट रेडिएशन सिकनेस पैदा कर देती है। रेडिएशन सिकनेस में एपीटाइट, भूख का ना होना, फटीक, दौरे पड़ना, फीवर का हो जाना, नौजिया हो जाना, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारे, कोमा में चले जाना, ये सब आपके रेडिएशन सिकनेस की अलामत हैं, ठीक है। ये टेबल वगैरह मैं ऊपर सारा डिस्कस कर चुका हूँ, टेबल नंबर 21.4, ये अभी आगे जाके इसका जिक्र आएगा। ये आगे जी आगे आइसोटोप, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन को यूज करने के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के इनके सोर्सेज बनाते हैं जो कि रेडियो आइसोटोप्स की शक्ल में अवेलेबल होते हैं। ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ज्यादातर आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल इनको बनाया जाता है अल्फा या बीटा या न्यूट्रॉन बॉम्बमेंट के जरिए। अब यूज़ किया अगर देखा जाए तो पहली बात, कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए हम इनको स्टडी करते हैं। फिर एक जो प्लांट्स और एनिमल में जो अपवर्ड टेक होता है खुराक का, ब्लड का, उसको स्टडी करने के लिए, फर्टिलाइज़र का अपवर्ड टेक करने के लिए। फिर क्रॉप्स की वैराइटीज़ को बढ़ाने के लिए ताकि डिजीज के खिलाफ ये इम्प्रूवमेंट शो कर सकें, प्लांट्स का टेक्चर इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है कि जी इन रेडिएशंस की वजह से यील्ड बेहतर हो जाती है, पैदावार बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। फिर आपके पास जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको स्टडी करने के लिए हम रेडिएशंस यूज़ करते हैं मेडिसिंस की शक्ल में। कार्बन 14 बीटा पार्टिकल का रिलीज़ करता है, तो इसकी रेडियो एक्टिविटी
मालूम करके हम डिफरेंट प्लांट्स की एज भी निकाली जा सकती है। कार्बन 14 एक ट्रेसर है और ट्रेसर टेक्निक मेडिकल में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, हर जगह यूज़ हो रही है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टडी करने के लिए रेडिएशन को यूज़ किया गया। फिर आपके कुछ केमिकल, आप शालामार गार्डन के अंदर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने जो फाउंटेन सिस्टम था ना उसको बहाल किया था रेडिएशन को स्टडी करके कि कहाँ कहाँ से पाइप आ जा रहे हैं, और जो ब्लॉक हुए थे उनको सही किया था। हाइड्रोजन एंड सोडियम वैसे ही हमारे पानी में और फूड में शामिल हैं। फिर रेडियो आइसोटोप्स, ये जगह पे हम पढ़ रहे हैं, रेडियो आइसोटोप्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं आयोडीन, खासतौर से रेडियो आयोडीन। थायराइड ग्रैंड इनको एब्जॉर्ब करता है, फॉस्फोरस को बोन्स एंड कोबाल्ट लीवर एब्जॉर्ब करता है। फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन थायराइड ग्रैंड को चेक करने के लिए, क्योंकि जो ग्लैंड्स ख़राब होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो आम या सेहतमंद ग्लैंड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। सेहतमंद ग्लैंड इस रेडियो आयोडीन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, लेकिन जो ख़राब ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्वाइस तकरीबन एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर आपके पास सोडियम 24 है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप यूज़ करते हो। ये एक एक बात को आपने पढ़ना है, याद करना है। लीवर गाल ब्लैडर का जो प्रॉब्लम होता है, यकवा हिपरटुबुलरी अमाइनो डाई एसिटिक एसिड, इसके जरिए डायग्नोज होता है। फिर आपके पास टेक्नीटियम 99 कैंसर को डायग्नोज करने के लिए। पैथोलॉजीज यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन में, एम्बोलिज्म में यानी कि ब्लॉक आर्टरी को स्टडी करने में यूज़ होता है सोडियम 24, जिसकी हाफ लाइफ 15 घंटे होती है। प्लाज्मा वॉल्यूम में यूज़ होता है आयरन 59, हाफ लाइफ 45 डेज होती है प्लाज्मा की स्टडी में, आयरन इन प्लाज्मा की स्टडी के लिए। टेक्नीटियम जिसकी हाफ लाइफ 6 आवर्स है, थायराइड अप टेक स्कैन के लिए यूज़ होती है। आयोडीन 131 ये यूज़ होता है, जिसकी हाफ लाइफ 8 डेज है किडनी टेस्ट के लिए। और आयोडीन 125 जिसकी हाफ लाइफ 60 डेज है प्लाज्मा वॉल्यूम वेन फ्लो के लिए, इनको यूज़ किया जाता है। अब रेडिएशन ना सिर्फ स्टडी करने के लिए यूज़ होता है बल्कि कुछ डिजीज़ की क्योर में भी इस्तेमाल होती हैं, और उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन। अब रेडिएशन थेरापी में अगर आप देखें, रेडियो थेरापी कार्बन 60 से निकलने वाली रेस के जरिए की जाती है, कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 थायराइड कैंसर में यूज होता है। स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस 32 या स्ट्रॉनशियम 90 इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये रेडिएशन आप डैमेज भी कर सकती हैं हेल्दी सेल्स को, तो आप इनको एमी यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करने का बाकायदा तरीकाकार होता है। उसके तहत पहले तो ये देखा जाता है कि रेडिएशन बॉडी के किस पार्ट पे यूज़ होनी है। जैसे गामा रेडिएशन को यूज़ करना है कोबाल्ट 60 में मिसाल के तौर पर, तो पहले तो जो मुतासर हिस्सा है या टिश्यूज़ हैं उनको बाकायदा चेक किया जाता है कि ये स्किन के नीचे कितनी डेप्थ में है, इनका एरिया वॉल्यूम क्या है, कौन कौन से इलाके में रेडिएशन पड़नी चाहिए, उसकी पिक्चर बनाई जाती है। उस पिक्चर के मुताबिक सांचे तैयार किए जाते हैं लेड के, कि रेडिएशन जो है वो सिर्फ बॉडी के उस पार्ट पे पड़े जहाँ पर मसला है, आगे पीछे एक सेल पे भी ना पड़े। फिर ये कैमियो की जाती है, जिसे आप कैमियो बोलते हैं, रेडिएशन फॉल कराई जाती है यानी। फिर रेडियोग्राफ, ये भी रेडिएशन का ग्राफ है, फोटोग्राफिक फिल्म पे हम इसका स्कैन ले लेते हैं। ये पूरी बॉडी का भी हो सकता है, किसी खास पार्ट का भी होता है, हो सकता है। इट इज़ अ डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग अ विजिबल फोटोग्राफिक इमेज ऑफ एन ओपेक स्पेसिमेन बाय पासिंग अ बीम ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन सच एज एक्स रेज ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म। गामा रेडिएशन भी यूज़ हो सकते हैं ब्रेन वगैरह के ट्यूमर के लिए, साइज और लोकेशन निकालते हैं। रेडियोग्राफ से हम क्रैक्स भी निकाल सकते हैं पाइप्स के अंदर, डिटेक्ट्स निकाल सकते हैं। अगर ये हम स्कैन कर रहे हैं और कहीं पे अचानक से काउंट रेट बढ़ जाता है, इसका मतलब वहाँ क्रैक मौजूद है। तो ये हमारे सारे चीज़ें हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर आ जाती हैं बेसिक फोर्सेस, ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए।
कि बेसिक फोर्सेस आपके पास चार हैं असल में, शुरू में पांच कंसिडर की जाती थी, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वीक न्यूक्लियर एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। लेकिन बाद में फैराडे एंड मैक्सवेल ने मिलकर एक्सपेरिमेंट से साबित किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की नौइयत एक ही होती है, इसलिए उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे अब चार फोर्सेज हैं बेसिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। जो आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये विद इन द न्यूक्लियस ही होती है और ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांध के रखती है, शॉर्ट रेंज होती है। जबकि वीक न्यूक्लियर फोर्स कोर के अंदर कहीं एग्जिस्ट करती है और ये उस वक्त एक्टिव होती है जब ये बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो वगैरह का डिके होता है आपके न्यूक्लियस में से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको पता होना चाहिए कि ये तमाम एटम्स में पाई जाती है, हमारी बॉडी में हमारे जो एटम जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये एक हद तक, लेकिन शॉर्ट रेंज फोर्स के मुकाबले में बहुत वीक है, लॉन्ग रेंज है उसके मुकाबले में, ये शॉर्ट रेंज के मुकाबले में लॉन्ग रेंज में आती है। याद रखिएगा कि इन चारों के मुकाबले में देखा जाए तो शॉर्ट रेंज में भी यही फोर्स होती है। जी मेरा बेटा क्या कह रहे हो सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी यही फोर्स होती है या ये डिफरेंट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेज होती हैं, जब फोर्स की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इस फोर्स का असर जरूर होता है लेकिन उतनी मैग्नीट्यूड में नहीं होती जितनी मैग्नीट्यूड में ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है। समझ आ गई? यस। अच्छा, क्योंकि ये एक और इसकी लॉजिक सुन लो, हमने पढ़ा था पीछे स्पेक्ट्रा के अंदर कि जब हम एक एग्जैक्ट एनर्जी के फोटोन को फॉल कराते हैं मेटास्टेबल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ट्रैप हुआ हुआ है वो डीएक्साइट होता है इस फोटोन की वजह से। इसका मतलब फोटोन क्या करता होगा, वो तो खुद कुछ नहीं करता लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जिसका वो एक हिस्सा है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यानी ये फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो लग रही है अच्छी खासी लेकिन हमारे ऊपर इसका इतना खास इफेक्ट नहीं होता, होता जरूर है, स्किन बन वगैरह ये इसी वजह से होता है, एनर्जी होती है इसमें लेकिन वो बहुत कम लेवल की होती है, हम ये पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अब जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये भी शॉर्ट रेंज है, ठीक है, और ये आमतौर पे जो आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब ब्रेक करते हैं, मैं अभी आपको बता रहा था, उनमें ये इस्तेमाल होती है, उस दौरान इफेक्टिव होती है, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि जितने भी गैलेक्सीज के न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें पाई जाती है, ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में भी पाई जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स चार्ज पार्टिकल में भी होती है क्योंकि मैथ तो उनका भी होता है ना। आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है कि आपने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन निकाला हुआ है और वहाँ साबित किया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में 10^15 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है। फिर आगे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे मिलकर आपका मैटर बना है, मैटर को बनाने वाले जो पार्टिकल हैं वो तीन है बेसिक ग्रुप, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, हैड्रॉन। जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं इनका मतलब वो पार्टिकल जो बिल्कुल बेसिक्स पार्टिकल है, बेसिक पार्टिकल होते हैं यानी कि जो किसी और से मिलके ना बने लेकिन इनसे मिलके और चीज़ें बन रही हों। अब ये तीन ग्रुप के मैंने नाम लिए ना, मैं जो पहले दो हैं फोटोन और इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों का ग्रुप 100% एलिमेंट्री हैं, इनमें जो जो पार्टिकल शामिल हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। लेकिन जो आपके हैं ना हैड्रॉन, ये खुद एलिमेंट्री नहीं है, ये जिनसे मिलके बने हैं वो एलिमेंट्री होते हैं और वो कॉक्स होते हैं। कॉक्स आपके पास छह होते हैं, ये आपके पास हैड्रॉन की प्रॉपर्टीज लिखी हैं सारी। अब जरा इसको गौर से सुनते जाओ, ये बड़े आराम से याद हो जाता है। ये मैं इधर जरा लिखता हूँ आपके पास, जब आप बात करते हो एलिमेंट्री पार्टिकल्स तो इसको हम यूं शुरू करते हैं, लेट्स सपोज हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स इनके हमारे पास आ जाते हैं तीन ग्रुप, इसमें से पहला ग्रुप आपके पास आएगा फोटॉन्स और उसके बाद दूसरा ग्रुप आएगा इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा ग्रुप आप शामिल करेंगे
आ जाएगा हेड्रॉन्स। अब ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल के तीन ग्रुप आ गए। अब इसमें फोटोन होते हैं मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, और ये बात की थी डी ब्रोगली ने, और ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ये आप नोट कर लें, ये आ गए एलिमेंट्री में, ये एलिमेंट्री हैं। लेप्टॉन भी एलिमेंट्री हैं। और जो हेड्रॉन होते हैं ये होते हैं नॉट एलिमेंट्री बट कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, यानी खुद किसी एलिमेंट्री से बने होते हैं, और उनको हम कहते हैं क्वार्क्स। अच्छा, यहीं से हम क्वार्क्स की टाइप कर लेते हैं। जो क्वार्क्स होते हैं हमारे पास, ये टोटल छह होते हैं। एक होता है इसमें अप, एक होता है जी डाउन, एक होता है जी अगला होता है टॉप, और नीचे आ गया इसमें बॉटम। ऊपर भी एक आ गया चार्म, और नीचे आ गया स्ट्रेंज। ये इनके नाम होते हैं। आगे इनके भी चार्ज होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन में चार्ज का मतलब आप ये कभी नहीं लोगे कि जी सबसे छोटा चार्ज इन्हीं के ऊपर होता है। सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। ये जितने क्वार्क्स हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये मिक्सअप हो जाते हैं, यानी कि ये आपस में मिलते हैं और दूसरे पार्टिकल बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हेड्रॉन जो है ना, इनकी फर्दर फिर दो टाइप्स आती हैं हेड्रॉन्स की। इनमें से एक ग्रुप बन जाता है मेसॉन्स का और एक बन जाता है बरियॉन्स का। बरियॉन वो पार्टिकल हैं जिनका मैस प्रोटॉन के बराबर या प्रोटॉन के मैस से ज़्यादा होता है, यानी मैस ऑफ बरियॉन मैं कह सकता हूँ ग्रेटर या इक्वल टू होता है मैस ऑफ प्रोटॉन, और मैस ऑफ मेसॉन लेस देन मैस ऑफ प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के बराबर खुद प्रोटॉन होता है, और ज़्यादा किया जाए तो न्यूट्रॉन होता है। तो बरियॉन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल हैं, ठीक है, मेसॉन में खुद मेसॉन शामिल हैं। अब जो बरियॉन्स हैं ना, ये दो से तीन तीन क्वार्क मिल के बनाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोटॉन में दो अप एक डाउन होता है क्वार्क, तो एक प्रोटॉन बनता है, और न्यूट्रॉन में दो डाउन एक अप होता है। मेसॉन में एक क्वार्क होगा और कोई और एंटी क्वार्क होगा किसी दूसरे क्वार्क का, फिर एक मेसॉन बनेगा, जो कि लेप्टॉन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन म्यूऑन्स वगैरह शामिल हैं, न्यूट्रिनो शामिल हैं, पायॉन शामिल हैं, ये सब के सब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। अब आप आ जाएं इधर, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, बस अब आपने इनको मेमोराइज करना है। अगले उसमें टेबल में आपको ये इनके चार्ज भी मिल जाएंगे, अप डाउन स्ट्रेन चार्म टॉप बॉटम। जितने अप वाले हैं इनका चार्ज आप देखोगे ये पॉजिटिव होता है, अप का टॉप का चार्म का 2/3 है, और नीचे वालों का नेगेटिव 1/3 है। और जब एंटी में जाएंगे तो चार्ज रिवर्स हो जाएगा, चार्ज का साइन रिवर्स हो जाएगा। फिर दो चार बातें हैं, वो आपने फिशन फ्यूजन की पढ़नी है 1939 में, जर्मन साइंटिस्ट थे दो, ऑटो हान एंड फिट्स स्ट्रासमैन। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था ये फिशन रिएक्शन। इन्होंने रिपोर्ट की थी आइंस्टाइन को, और फिर उसने देखा कि ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि ई इजिकल टू एम सी स्केयर का फिनोमेना तो वो दे चुका था पहले भी, और वहाँ से फिर ये कहानी शुरू होती है एटॉमिक बम की फॉर्मेशन की। वर्ल्ड वॉर के शुरू की बात रही है, एंड एक्सप्लोजन से होता है नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर। एनीवे 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है तीन न्यूट्रॉनों के साथ, लगभग बेरियम क्रिप्टॉन भी मिल सकते हैं, और बाकी दो भी इसमें एलिमेंट्स आ सकते हैं, और ये दो रिएक्शन यहाँ लिखे हुए हैं, एक स्ट्रॉन्शियम और जीनॉन का है, और एक स्टेनस और मोलिब्डियम का है।
ये आप याद कर लेंगे जरा इनके ऊपर नीचे सारे पार्ट्स वाला। यूरेनियम 239 याद रखिएगा, असल में फिशन रिएक्शन का। हाँ, एक और चीज़ भी है कि ये यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 में भी 33 में हो सकता है। नेचुरल जो यूरेनियम है उसमें यूरेनियम 235 0.7% होती है और बाकी सारी यूरेनियम 238 होती है। यूरेनियम 238 को हम प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसका रिएक्शन ये है कि इसके बाद फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की बोम्बार्डमेंट कराई जाती है यूरेनियम 238 के ऊपर। ये पहले नेप्टोनियम में जाता है, फिर नेप्टोनियम कन्वर्ट होकर आता है प्लूटोनियम के अंदर। जो फ्यूजन रिएक्शन है वो रिवर्स प्रोसेस है फिशन का। एक फिशन रिएक्शन में लगभग पर न्यूक्लियॉन के हिसाब से 0.90 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है, जबकि जो फिशन रिएक्शन है इसमें 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 600 टाइम्स ग्रेटर एनर्जी मिल जाती है फ्यूजन रिएक्शन में। अब ये पहला रिएक्शन मिला हुआ है आपके पास, ये ड्यूट्रॉन मिल रहा है हीलियम 4 से, यहाँ ड्यूट्रॉन मिलते हैं तो एक ट्रिटियम और प्रोटॉन प्रोटियम बनाते हैं, इनकी एनर्जी लिखी है डी रिएक्शन कहलाता है ये ड्यूट्रॉन रिएक्शन। एनर्जी 3.3 और 4 के लगभग होती है। फिर अगला एक रिएक्शन आपके पास मौजूद है ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम का, डीटी रिएक्शन कहलाता है, 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। फिर न्यूक्लियर सन के मुताबिक कहा जाता है कि इसके अंदर भी ये रेडिएशन हो रही हैं और ये रिएक्शन हो रहे हैं फ्यूजन के, और जो हमने इसके अंदर एक साइकिल 2 साइकिल डिस्कवर किए जिनमें से एक हम यहाँ पे डिस्कस करें, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में टोटल जो न्यूट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम आते हैं वो 6 हैं, 4 रिएक्टेंट साइड पर और 2 प्रोडक्ट साइड पर। अब इसके अंदर आमतौर पर रिएक्शन के अंदर तकरीबन 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी या 57.7 एनर्जी मिलती है। 6 प्रोटॉन टेक पार्ट करते हैं और फाइनली आपके पास हीलियम और 2 प्रोटॉन वापस मिल जाते हैं, तो टोटल 6 प्रोटॉन इसमें हिस्सा लेते हैं रिएक्शन में, लेकिन 2 में से वापस आ जाते हैं और वो 2 फिर रिएक्शन शुरू कर देते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है। अब यहाँ जो पर न्यूक्लियॉन एनर्जी है वो 6.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि फिशन की पर न्यूक्लियॉन एनर्जी 0.9 से बहुत ज़्यादा है। और आखिरी बात जो इसमें देखनी है वो न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का मसला, बड़ा खतरनाक है ये, इसे जमीन में रखेंगे तो रेडिएशन बाहर निकल आती है। उसका सबसे बेस्ट तरीका जो निकाला गया है वो ओल्ड साल्ट माइंस उनके अंदर इनको डंप किया जाता है जहाँ ये मौजूद हों। नहीं जी, ये आपकी सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं।